भाई इतनी इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि सांस नहीं ले जा रही, तो वो गाड़ियाँ पूरी स्टक आ गई। अब चेक कर रहे हैं, देख रहे कैसे फेंक रहे हैं, खराब ये जो पत्थर है ना इसी पे चढ़ गया। किस वाले पत्थर? इस पे ना, हाँ इसी पे मैं फिर चढ़ गया। हाँ। फिर मैंने देख लिया वो दुकान, वहाँ पे मैंने एक कैंट्रा देखी। अच्छा, कैंपर देखा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीबू खान। होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे एंड बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो जैसा कि लास्ट सीरियस में आपने देखा था, सीरियस वन में, तो हम सोनामर्ग थे, तो अभी भी सोनामर्ग में ही हैं। कोई गाड़ियां नहीं छोड़ी भाई, न्यू मतलब और स्नो पड़ चुकी है रात को, तो अभी और भी पड़ रही है फ्रेश वाली, देख रहे हो। तो देखते कब तक छोड़ दें रास्ता, फिलहाल तो कोई कन्फर्म नहीं है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कर दे चैनल सब्सक्राइब, इंस्टा फेसबुक पेज को भी कर दे फॉलो, और आपका भी ज़्यादा समय ना लेते हुए करते आज का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू। भाई इतनी इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि सांस नहीं ले जा रही, तो वो गाड़ियाँ पूरी स्टक है, आगे वाला ग्राउंड भी भरा है एंड पैसेंजर गाड़ियाँ सब पूरी गाड़ियाँ मतलब बंद ही है, आगे रास्ते की कोई कंडीशन नहीं है भाई। अब अभी जाने क्या होगा, तो जाते हैं अंदर, फ्रेश तो हो चुके हैं, जाते हैं चाय वगैरह पीते हैं, देखते हैं वसीम भाई ने चाय बनाई कि नहीं। अभी कोई प्रोग्राम नहीं है रास्ता खुलने का, तो मैंने सोचा जाऊंगा मार्केट, एक तो एटीएम से पैसे निकालेंगे, बोले सब्जी वगैरह कुछ लाएंगे, बैठे ही क्या करते, और बर्फ़ पीना साथ साथ में लग रही है अभी, तो कह रहे हैं 2-3 दिन तक अभी कोई कंफर्म नहीं रास्ता खुले या ना खुले। तो कटिंग वगैरह कर ली, तो अब लेंगे सब्जी, देखते हैं क्या मिलता है। फिलहाल मौसम भी ना एक नंबर हो रखा है, तो अब मौसम अगर ऐसा ही रहा तो फिर रास्ता खुल सकता है। तो रीज़न ये हो सकता है, अगर गाड़ी मुझे ग्राउंड से बाहर निकल गई तो मैं वापस भी जा सकता हूँ श्रीनगर, तो देखते हैं क्या रहता है। तो अभी ये चीज़ सोची कंटेनर को थोड़ा साफ़ करें, धूप अच्छी निकल आई देख रहे हो, तो कंबल वगैरह टॉवल वगैरह जो कपड़े वगैरह भीगे वो इधर डाल देंगे, सूख जाएंगे धूप में, एकदम मस्त धूप निकल रखी है। तो गाड़ी मैंने सोचा था बाहर निकालूंगा, कोई चांस नहीं है बाहर निकालने की, देख लो दूर दूर तक गाड़ियां, ऊपर से सेंटर में फंस चुके हैं, कांटा तो ये है पास में अपने। देख लो भाई सब्जी वाली गाड़ियों की कंडीशन, बेचारे रसा तरपाल खोल के अब चेक कर रहे हैं, देख रहे कैसे फेंक रहे हैं, खराब सब्जी, सो सैड है, बड़ी फील हो रही है। हो गया खाना तैयार भाई? बस अभी 3 बजे तक हो जाएगा। अच्छा 3-4 बजे तक हो जाएगा, बट गाड़ी में जो भी स्मेल थी निकल गई ना। तो ठीक 4 बज रहे, अब हुई भाई की सब्जी तैयार, मटन बना है आज, तो खाते हैं खाना, उसके बाद कालीन वगैरह निकालते हैं गाड़ी से, डालते हैं धूप में, है ना भाई। सो बज रहे हैं 4:30, तो बैठे ही थे क्योंकि गाड़ियां आप पूरा ग्राउंड देख सकते हो भरा हुआ है भाई, तो अब धूप जो है बहुत ही अच्छे वाली निकल आई, ऐसा फील हो रहा है कि रास्ता खुलने वाला है। और कुछ भाई आए थे, ये कैसे पहचान गए कि मैं इधर था, कहाँ से मेरी गाड़ी देखी आपने? हम आ गए थे इधर, हमने समीर भाई की स्टोरी देख ली थी। अच्छा, हम आ गए इधर, इस ये जो पत्थर है ना इसी पे चढ़ गए। किस वाले पत्थर? इस पे ना, हाँ इसी पे मैं फिर चढ़ गया। हाँ। मैंने देख लिया वो दुकान, वहाँ पे मैंने एक कैंट्रा देखी, अच्छा कैंपर देख लिया। अच्छा, फिर मैं यहाँ से उतर गया, ये वाली जगह है ना गाड़ी में, ये हाँ, मैं ये मतलब इसे मतलब गेस करते गया, फिर मैंने जहाँ देखा आप वहीं पे थे। अच्छा हाँ भैया, तो आए भाई ऐसे ही मिलते हो अपना, तो अच्छा लगता है काफी,
तो क्या कुछ सुना, कब खुलेगा रास्ता भाई? कल खुलेगा तकरीबन, कल खुलेगा? हाँ, कल या परसों। तो उम्मीद करते हैं खुलेगा कल रास्ता, तो यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि एक जगह रुक के ना पुलिस यहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी दे रहे हैं ना, है ना, बहुत महंगी भाई, बहुत महंगी, क्या ही बोलें। चलो मजबूरी का फ़ायदा तो हर कोई उठाता है, उठाने दो इनको भी, हम देने के लिए हैं तभी तो ये हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है तभी ये लोग हमें लूट रहे हैं। अपना अपना टाइम होता है, कोई बात नहीं। बस मुझे तो आज तक पता नहीं था कि जोजीला टनल ये वाली है, यही है जोजीला टनल? हाँ यही है भैया। क्या बोलते हैं, कब तक होगी तैयार? इसको लगेगा एक दो साल। दो साल तो क्या बोलते हैं, मस्त वाला टनल है कि बेकार? वैसे तो मतलब मुझे लगता है बेकार ही है। अच्छा बेकार ही है, देखो क्यों। लेकिन इस झंझट से तो खत्म हो जाएंगे ना ये जो इधर खड़ा रहना है। पर जब ये तैयार हो जाएगी ना फिर गाड़ी वाली को, गाड़ी वालों का काम ही नहीं रहेगा। क्यों फिर 10 चक्के 12 चक्के? हाँ वही सीन, 6 चक्के वालों को जुल्म होगा ना। ये सही बात है, सही है यार, रब तक है सब कुछ, सब भी रब तक है, ठीक है। जो छोटे वाले जो, हाँ जिसके नसीब में जितना उतना मिलेगा, मिल जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्या बात है? ओ ये कब तक छोड़ेंगे सर? तुम पीछे जाओ, बाद में बताएंगे, जाओ। कब छोड़ेंगे सर? भाई भाग, पूरा भाग सबसे घटिया। तो बज रहे 9 और अपना ट्रैफिक पुलिस वाला भी आ गया। हाँ भाई ड्यूटी खत्म हो गई? ड्यूटी हो गई खत्म। हाँ अभी सोचला कर दिया क्लियर। अच्छा। फिर भी कल नहीं छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे। फिर भी परसों छोड़ेंगे? हाँ। अरे भाई साहब तो क्या हो रहा है, एडिटिंग चल रही है? एडिटिंग नहीं चल रही है, मैंने गलती कर दी इसमें थोड़ा बहुत। अच्छा गलती होगी, मतलब थोड़ा जल्दी में मैंने एडिट कर दिया अभी। सुनो तो अब खाना वगैरह खाएंगे, तो देखते कल मत छोड़ दे, क्योंकि मौसम आज का था ना जो बिल्कुल क्लियर था, उस हिसाब लग रहा है कि कल छोड़ेंगे, है ना? नहीं छोड़ेंगे, कल भी बंद है, परसों भी बंद है, ये मैं इधर ही बता दूंगा। हो सकता है परसों शाम को छोड़े या परसों सुबह आ जाए एडवाइजरी कल शाम को। तो नाइट के टाइम छोड़ेंगे? हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, कल पता चलेगा शाम को एडवाइजरी। चलो वो आपको हो सकता है या तो कल भी नहीं छोड़ेंगे परसों भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो इन्होंने बताया है, लेकिन भरोसा कोई नहीं होता है, कल भी एडवाइजरी निकल सकती है। बीकर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, ये अभी भी छोड़ेंगे। और सुनना यार, ये होंठ वगैरह जो थे ना मेरे सर्दी से फट चुके हैं। वैसलीन लाओ तो लगाओ, लगाई ना, तो वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा छोड़े या नहीं छोड़े। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, तो शेयर नहीं करना, तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।